इसका बाबा ने किया था बाप को रोना पड़ा और पोते को कचहरी में खड़ा होना पड़ा। देश का लूटो बारी बारी जियो बहादुर खद्दर धारी। पहली बरखा माँ स्कूल ढहीगा, वही के नीचे टीचर रहेगा। तोहरे पुतवा के ठेकेदारी, जियो बहादुर खद्दर धारी। देश का लूटो बारी बारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आई इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। और आई इंडिया के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। रंदा रंदा क्या कहता है आपको फिर हम बताते हैं, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि रंदा किसी ना किसी खबरों पर चलकर नया निखार लाता है। तो आज जिस पर रंदा कहता है उस पहली खबर को हम आपको बताते हैं कि विधायक बताएंगे कैसे बनेगी उत्तर प्रदेश में 10 खरब की अर्थव्यवस्था। क्या कहता है रंदा सुनते हैं। जब विधायकगण आय से अधिक संपत्ति का ब्यौरा ना तो सरकार को और ना ही अपने क्षेत्र की जनता को बता पा रहे हैं कि उन्होंने वेतन भत्ते के अलावा निर्माण कार्यों एवं अन्य गड़बड़ घोटालों में कितना धन कमीशन के रूप में गटका है और जायज नाजायज कार्यों को कराने में कितनी संकट मोचनी अटैचियां लोगों से ली हैं, जब वो अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं बता पा रहे हैं तो वो बेचारे प्रदेश की 10 खरब की अर्थव्यवस्था को क्या बता पाएंगे। अगर उनको इसकी जानकारी होती तो वो अपनी ही अर्थव्यवस्था खरबों में न सही अरबों में तो कर ही लेते। पक्ष विपक्ष के जिस भी विधायक सांसद मंत्री के वहाँ CBI, ED और IT की रेड पड़ती है, उसके वहाँ नामी बेनामी करोड़ों की संपत्ति के कागजात जेवर नकदी मिलते हैं। ये रकम कमीशनबाजी व सरकारी योजनाओं के घोटाले से नहीं अर्जित की गई तो क्या रंदा उन्हें सप्रेम भेंट के रूप में दे आया है, जिसके पास जीवन यापन भर के पैसे तो दूर, मरने के बाद कफन भर के पैसे नहीं। रंदा ने सीतापुर जिले में स्वर्गीय ताराचंद महेश्वरी व स्वर्गीय बैजू राम जैसे विधायक भी देखे हैं जो अपने आप में ईमानदारी के पर्याय थे। रंदा ने पंडित गंगाधर मिश्र जैसे भी विधायक देखे जो बंदूक की लाइसेंस की सिफारिश से पीछा छुड़ाने के लिए दोबारा चुनाव नहीं लड़े और अपना पर्चा पार्टी हाईकमान को वापस कर दिया। मैंने डॉक्टर श्याम किशोर मिश्र जैसे ईमानदार विधायक भी देखे हैं जिन्होंने कभी गुंडों बदमाशों की सिफारिश नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें उन कांग्रेसियों ने ही चुनाव हरवा दिया जो गलत सलत कामों के पक्षधर थे। तब के नेताओं का नैतिक बल बहुत ऊंचा था और आज के अधिकार नेताओं में भ्रष्टाचार का बल ऊंचा है
वो एन के प्रकार सरकारी योजनाओं के धन का बंदर बांटकर हजम करना अपनी सियासी फितरत मानते हैं। रंदा उन विधायकों का इतिहास भूगोल तो सब जानता है कि विधायक बनने के पूर्व वो क्या थे और उनकी उस समय माली हालत क्या थी और आज विधायक बनने के बाद उनकी माली हालत क्या हो गई। लेकिन रंदा सार्वजनिक नहीं करेगा क्योंकि ये काम CBI, ED व IT का है। वो स्वयं छापे डालकर इसे रंदा सरीखे मीडिया कर्मियों को बताएंगे। रंदा राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित मशहूर शायर मतहफिज रहमानी की इस शेर को पढ़कर बिना कहे बहुत कुछ माननीयों के लिए कह रहा है। टूटा फूटा छप्पर है लेकिन अपना है, जज ने मुलजिम को ये कहकर छोड़ दिया, कातिल तो है सरासर लेकिन अपना है। जी बिल्कुल, कातिल तो है सरासर लेकिन अपना है। तो रंदा सभी को जानता है कि कौन विधायक कैसा है, क्या करता था, क्योंकि एन प्रकार ने सारी चीज़ों को रंदा जानता है। तो दूसरी खबर पर चलते हैं कि रंदा क्या कहता है। सपा के राष्ट्रीय सम्मेलन में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को दिलाया संकल्प, 5 साल में सपा को दिलाना है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। अखिलेश तीसरी बार बने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस पर रंदा क्या कहता है, जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। सपा के तीसरी बार अध्यक्ष बनने पर रंदा की भी बधाई स्वीकारें अखिलेश जी। आप सपा को चाहे राष्ट्रीय पार्टी बनाए या अंतर्राष्ट्रीय, ये आपके पिता श्री मुलायम सिंह यादव की बनाई गई सपा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है। ये जब से पार्टी बनी है तब से लगाकर आज तक सिर्फ आपके पिता व आप ही अध्यक्ष बने हैं। कोई अन्य पार्टी का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बना ही नहीं। बेचारे शिवपाल यादव सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हथियाने के मनसा पाले थे, जिन्हें आपने साइडलाइन कर दिया और प्रस्पा बनाकर उसी की माला जपने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उनका साइकिल से मोह छूटा नहीं है, तभी वो प्रस्पा बनाने के बाद भी सपा के विधायक बने घूम रहे हैं। भाई अखिलेश जी, तब आप पूरे देश में पार्टी न होने के बावजूद अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाने एवं राष्ट्रीय सम्मेलन करने में गर्व महसूस करते हैं, तो फिर पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की क्या आवश्यकता है। बस उसे राष्ट्रीय पार्टी कहना शुरू कर दीजिए, आपको रोका किसने है। वैसे रंदा बहन मायावती अपनी पार्टी बसपा को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के फेर में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी अपनी पार्टी का सुपड़ा साफ करवा चुकी हैं। जब बसपा की 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी में बनी थी तो बसपाइयों ने उत्साह में नारा लगाया था, यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। 2012 के विधानसभा चुनाव में हाथी चारों खाने चित्त हो गया और मायावती से दिल्ली दूर हो गई। अखिलेश जी को रंदा की नेक सलाह है कि राष्ट्रीय पार्टी बनाकर PM पद का सपना देखने से पहले उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत बनाइए, नहीं तो 2 बार की तरह तीसरी बार भी CM की कुर्सी आपके लिए गुलर का फूल बनकर रह जाएगी। किसी ने कहा भी है, आधी छोड़ सारी का धावे, सारी मिले ना आधी पावे। वैसे सपा आपकी अपनी निजी जागीर है, आप उसके सहनशाह हैं। रंदा का किसी दल से कोई मतलब नहीं है, ना ही सपा से कोई मतलब है, वो किसी दल का सदस्य तक नहीं है। वो अपनी पत्रकारिता में ही राजनीतिक दलों के चमत्कार देखता रहता है। तो रंदा किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं है और ना ही किसी पार्टी को पसंद करता है, लेकिन तीसरी बार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अखिलेश यादव के लिए एक नसीहत दे डालता है। तो रंदा ने कहा कि रंदा का ना ही सपा से कोई मतलब है, ना ही किसी अन्य दल से, वो अपनी पत्रकारिता में ही राजनीतिक दलों के चमत्कार देखता रहता है। क्योंकि रंदा का कहना है कि अखिलेश यादव जी जो हैं वो उनकी सपा की जो उनकी प्राइवेट जागीर है, चाहे राष्ट्रीय कहें चाहे कुछ भी कहें, बने वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं। तो आपको तीसरी खबर पर ले चलते हैं जहां रंदा क्या कहता है, सुनते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सपा का पूरा इतिहास ही बहुजन विरोधी है, क्या कहता है रंदा, सुनते हैं। बहन मायावती जी, रंदा सरीखे लोग बेवकूफ नहीं हैं जो आपकी बात पर आंख मूंदकर विश्वास कर लें कि सपा बहुजन समाज पार्टी की विरोधी है।
आप भी कानी देखे मुड़ फिराए और कानी बिना रहा ना जाए कि कहावत सिद्ध करती घूम रही हैं। अभी 2019 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी बसपा व अखिलेश की पार्टी सपा आपस में गलबहियां डालकर अर्थात गठबंधन कर एक दूसरे के प्रत्याशियों को जिताने की न सिर्फ अपील कर रही थी बल्कि बुआ बबुआ का नारा बुलंद करवा रही थी। एक चुनावी जनसभा में कन्नौज की पूर्व सांसद व सपा सुप्रीमो की धनपत्नी डिंपल यादव से पैर छुआकर आपने उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने या चुनाव जीतने का आशीर्वाद प्रदान कर रही थी। अगर सपा का ये पूरा इतिहास ही बहुजन विरोधी होता तो फिर आपने बहुजन विरोधी सपा से 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन का रंदा सलीखे मतदाताओं के आंखों में धूल झोंकने के लिए किया था। जब आप स्वयं जानती थी कि सपा नेताओं ने वीवीआईपी गेस्ट हाउस में आपके साथ कैसा बदसलूक किया था तो फिर आपने सपा के साथ गठबंधन क्यों किया? सपा के दोषी नेताओं को माफी क्यों दी? मान्यवर काशीराम के नेतृत्व में इसी बसपा ने तत्कालीन सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ गठबंधन किया था और दोनों पार्टियों ने मिलकर वर्ष 1993 में न ये सिर्फ नारा बुलंद किया था कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम बल्कि इस गठबंधन ने जीत हासिल की थी। सपा सुप्रीमो रह चुके मुलायम सिंह यादव ने मान्यवर काशीराम को अपनी पार्टी के सहयोग से राज्यसभा का सदस्य बनवाया था। गेस्ट हाउस प्रकरण से आपके व मुलायम सिंह यादव के रिश्ते तल्ख हुए थे लेकिन अखिलेश यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको भुआ बनाकर पार्टी से गठबंधन कर लिया था जिसमें आपको 0 से 10 सीटें मिली और अखिलेश रूपी आपका बबुआ 5 सीटों पर ही सिमट गया। आय से अधिक संपत्ति तथा उत्तर प्रदेश के 11 चीनी मिलें बेचने के मामले में सीबीआई तथा ईडी की कार्रवाई के डर से आपने भाजपा के सुर में सुर मिलाते हुए सपा से गठबंधन तोड़ लिया और अब आपका सपा का पूरा इतिहास ही बहुजन विरोधी होने का राग अलाप रही हैं। बसपा की हालत प्रदेश में कांग्रेस से भी बदतर होती जा रही है जिसका प्रमाण 2022 का विधानसभा चुनाव है जिसमें मात्र एक ही विधायक विजयी हुआ है। जी बिल्कुल, 2022 में जो है बसपा का सिर्फ एक मात्र विधायक ही विजय हुआ है। 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन में 0 से लेकर 10 सीटें पर बसपा काबिज हुई थी जिसके बाद अब बहन कुमारी मायावती एक नारा लगा रही हैं कि सपा जो है वो बसपा विरोधी है। तो अब ले चलते हैं आपको अगली खबर पर जहां 24 साल तक वृद्ध ने 45 रुपए चोरी का केस मैनपुरी की सीजीएम कोर्ट ने सुनाई उसे 4 दिन की सजा। मैनपुरी में दुकानदार की जेब से रुपए चुराने का आरोप था मात्र 45 रुपए। क्या कहता है रंदा सुनते हैं। चोरी का पाप किया तो सजा मिलनी ही थी चाहे 4 दिन की मिलती या 4 साल की, सजा सजा होती है। कहो वृद्ध ने 24 साल तक ही केस लड़ा और अपना जुर्म अदालत में कबूल कर 4 दिन की सजा पा गया, नहीं तो मृत्यु के बाद उसको ये मुकदमा धर्मराज की अदालत में लड़ना पड़ता और सजा के तौर पर बरसों कुंभी पाक नर्क भोगना पड़ता। मुकदमों के बरसों वर्ष चलने पर किसी बैंककार ने कहा है कि इसके बाबा ने किया था, बाप को रोना पड़ा और पोते को कचहरी में खड़ा होना पड़ा। रंदा अदालतों में कई कई वर्षों तक मुकदमे चलने और उससे होने वाली परेशानियों को देखकर वो कभी भी गैरकानूनी काम नहीं करता। वो कवि कैलाश गौतम की इन काव्य पंक्तियों को हमेशा याद रखता है। चाहे जैसे तैसे गृहस्थी चलाना, चाहे जाके जंगल में धूनी रमाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। तो रंदा कह रहा है कि कचहरी न जाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। बार बार रंदा यही कहता है कि कोई भी गलत काम न करें क्योंकि गलत काम का नतीजा का फल जैसा भी हो तुरंत मिलता है या फिर देर में मिलता है। तो रंदा की अपील है कि गलत काम मत करें और कचहरी ना जाना पड़े ऐसा कोई भी काम ना करें, क्योंकि आपने देखा कि मात्र 45 रुपए की चोरी जिसके लिए 24 साल तक केस चला और सजा भी मिली, 4 दिन की सजा मिली।
तो रंदा की टिप्पणी को आपने सुना। अगली खबर पर चलते हैं, जहां विजयदशमी पर जिले भर में कई स्थानों पर किया गया रावण दहन, कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन। क्या कहता है रंदा? विजयदशमी का पर्व असत्य पर सत्य की जीत को प्रदर्शित करता है। सत्य पर चलने वाला व्यक्ति अपने उद्देश्य में एक दिन विजय अवश्य प्राप्त करता है। बुराइयों का प्रतीक कहा जाने वाला रावण हर साल और ऊंचे कद में तनकर खड़ा हो जाता है और प्रभु श्री राम को हर साल मेहनत कर उसे मारना और जलाना पड़ता है। रावण ने तो अपने बल वैभव का अहंकार था और इसी अहंकार में आकर माँ सीता का हरण किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अपने कुल कुटुंबियों सहित प्रभु श्री राम लक्ष्मण व उनकी वानर सेना के हाथों मरना पड़ा। रावण तो मर गया, लेकिन वो बुराइयों को अपने साथ न ले जाकर दुनिया में छोड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में इतनी बुराइयां पैदा हो गईं कि किसी कवि को ये कहना ही पड़ा, घर घर में रावण पलते हैं, इतने राम कहाँ से लाऊं। बुराइयों की वजह से गैर कानूनी कार्य करने वाले लोगों से देश भर की जेलें पटी पड़ी हैं। भारी भरकम पुलिस फोर्स अपराधियों के पीछे पीछे ही दौड़ा करती है। बहुत से रावण रूपी अपराधियों का पुलिस इनकाउंटर तक कर देती है, पर अपराधों में कमी नजर नहीं आ रही। अगर वास्तव में रावण को जलाना है तो सबसे पहले बुराई रूपी अपने मन के रावण को जलाइए। बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता, नफरत, हिंसा रूपी रावण को जलाइए तथा एकता, भाईचारा, सद्भाव, समभाव, ईमानदारी जैसे सदगुणी रूपी राम को अपने दिल में बसाइए, तो फिर देखिए बुराई रूपी रावण का भयंकर व बड़ा कद यकाएक बौना हो जाएगा और लोग अपने आप को खुशहाल महसूस करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो है बुराइयों का रावण को पहले ही दहन करना चाहिए, क्योंकि रावण तो चला गया लेकिन जो बुराइयां हैं वो अभी भी समाज में हैं। समाज में बुराइयों से दूर रहें और अपने अंदर जो है बुराइयों के रावण को दहन करें और खुशहाली लाएं। तो अगली खबर, सीओ मिश्रिक ने बंद कराया रामलीला मेला, विरोध में मेला आयोजन समिति व अन्य हिंदू संगठनों ने दिया धरना। सीओ के अभद्र बयान से लोग हुए नाराज। 200 वर्षों से मछलेटा कस्बे में हो रहा रामलीला का मंचन, क्या कहता है रंदा? किसी शायर ने सच ही कहा है कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। अगर वर्दी और पद का कोई भौकाल न बने तो फिर पुलिस अधिकारी काहे के और काहे की उनकी वर्दी। रंदा ने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है कि जब कोई ऋषिमुनि धार्मिक यज्ञ व अन्य कर्मकांड करते थे तो उनमें विघ्न डालने राक्षस असुर आ जाते थे। ताड़का स्वभाव इसके उदाहरण है, वो यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। रंदा ने जो धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है उसका उल्लेख कर रहा है। सीओ साहब, इस बात को अपने से मत जोड़ लेना और उसकी सजा रंदा को न खुन्नस बस सुना देना। रंदा जानता है कि जब आप 200 वर्षों से चली आ रही मछेटा कस्बे के रामलीला मेले को अभद्र टिप्पणी से रुकवा सकते हैं तो फिर रंदा किस खेत की मूली है जिसका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। रंदा सीओ मिश्री की रामलीला रुकवाने में कोई गलती इसलिए नहीं देता कि अपराध रुकवाने का काम पुलिस का ही होता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखवाना भी उसकी जिम्मेदारी है। तो वो भला रामलीला में माँ सीता का अपहरण होते कैसे देख लेते? इससे धारा 363 का खुलेआम उल्लंघन नहीं हो जाता? वो सुप्रखा जैसी राक्षसी का लक्ष्मण के हाथों से नाक कटने का दृश्य कैसे होने देते? इससे अंग भंग की धारा 326 का खुलेआम उल्लंघन नहीं हो जाता? महाबली हनुमान के हाथों लंका दहन वो कैसे होने देते? इससे भारतीय दंड विधान की आतशजनी की धारा 435 व 436 का उल्लंघन नहीं हो जाता? लंका अर्थात रावण के घर में राम की सेना घुसती तो धारा 452 का उल्लंघन नहीं हो जाता? मेघनाथ, कुंभकर्ण, अहिरावण, खरदूषण, तिसरा सहित रावण के कुटुंबियों व सेनापतियों तथा सेना की हत्या होते वे कैसे देख सकते थे? इससे धारा 302 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन होता। इन तमाम अपराधों को रोकने के लिए ही उन्होंने रामलीला मेला व रामलीला के मंचन को रोका होगा। जब मेला आयोजन समिति के लोग नहीं माने होंगे तो उन्होंने अपने अभद्र भाषा रूपी पुलिसिया अस्त्र का प्रयोग किया होगा।
जिसे सुनकर बड़ों बड़ों की पोंख सरकने लगती है। तो रामलीला मेला कमेटी वाले तो समाज के सब इंसान हैं, उनकी पोंख सरकने में तो चंद सेकंड भी नहीं लगे होंगे। भला हो एएसपी दक्षिणी एनपी सिंह का, जिन्होंने सूझबूझ से काम लेते हुए शिव मिश्रिक पर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया तथा धरना समाप्त करवाकर रामलीला मेला को पुनः संचालित कराया, जिससे मेलार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और वो एएसपी दक्षिणी एनपी सिंह को दिल की गहराइयों से दुआ दे रहे हैं। तो आपने सुना कि वर्दी का भूकाल कैसा था कि 200 साल पहले से चला आ रहा मेला कमेटी का जो त्यौहार था, रामलीला मेला कमेटी के द्वारा जो होता था प्रोग्राम, उसे जो है महज सीओ मिश्रिक ने अपने अभद्र टिप्पणी से ही बंद करा दिया। तो आपने सुना कि रंदा ने क्या कहा। तो सीतापुर जिले में समय के पहले बंद हो गए अस्पताल, जन आरोग्य मेले में गंभीरता नहीं दिखा रहे चिकित्सक, क्या कहता है रंदा, सुनते हैं अस्पताल पर। अगर धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सक इतने अधिक जागरूक व कर्तव्यनिष्ठ होते तो जिले में मलेरिया व वायरल फीवर जैसी बीमारी में तमाम लोग सही उपचार न मिलने के वजह से खुदागंज के लिए रुखसत न हो जाते। वायरल बुखार व मलेरिया डेंगू से जितनी मौतें इस साल हुई, उतनी मौतें तो कई वर्षों में भी नहीं हुई हैं। धरती के भगवान कहे जाने वाले सरकारी चिकित्सक सरकारी स्वास्थ्य अभियानों में अपनी सेवाएं देने में अपना जी चुराते हैं और समय बचाकर चोरी छिपे अपने घरों पर मरीजों से फीस लेकर उपचार करते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस का उनका धंधा फल फूल भी रहा है। कुछ कथित सरकारी चिकित्सक अस्पताल से अवकाश लेकर नर्सिंग होमों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। डॉक्टरी की डिग्री लेते समय दिलाई गई शपथ को भी ये सरकारी भगवान भूल गए हैं। वह गरीब मरीजों को उपचारित करने के बजाय जेब गर्म करने वाले मरीजों पर अपनी रहमदिली ज़्यादा दिखा रहे हैं। ये व्यवहार काफ़ी शर्मनाक है। जी बिल्कुल, रंदा ने सही कहा कि जो है चिकित्सक जो है सरकारी, वो अपना अवकाश लगा कर अपने प्राइवेट नर्सिंग होमों पर ध्यान दे रहे हैं, यह व्यवहार उनका काफ़ी शर्मनाक है। तो अगली खबर पर चलते हैं, जहां गोंदलम और इलाके के गठिया से नैमिषारण जाने वाले संपर्क मार्ग पर निकलना दुश्वार। लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई गई यह सड़क 2 माह में ही गई उखड़, क्या कहता है रंदा, क्योंकि सड़क उखड़ी है, आखिर रंदा की टिप्पणी कितनी उखड़ती है, सुनिए। जय हो कमीशन खोरी की। जब सरकारी निर्माण कार्यों में 40-40% तक कथित कमीशन खोरी होगी तो सरकारी निर्माण कार्य कितने दिन चलेंगे, इसकी गारंटी रंदा तो क्या रंदा का बाप भी नहीं ले सकता। कहो योगी बाबा सरकार में विपक्षी दल बुलडोजर चलने के भय से कर्नाटक की तरह ही यहाँ पर भी 40% कमीशन पे सीएम लिखे पर्चे नहीं चिपका रहे हैं, क्योंकि विपक्ष भी जानता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं काफ़ी ईमानदार हैं, लेकिन ऐसी ईमानदारी से क्या कि उनके शासन में नेता अधिकारी ठेकेदार अभियंता सब मिलकर निर्माण कार्यों में कमीशन कमीशन का खेल खेल रहे हैं। ये काफ़ी दुखद है। सीएम को ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का बुलडोजर चलवाना चाहिए। अगर कमीशन खोरी व भ्रष्टाचार न होता तो गुंदलामो क्षेत्र के गांव गठिया से नैमिषारण जाने वाला सड़क मार्ग बनने के 2 माह बाद ही क्षतिग्रस्त नहीं हो जाता। ये सड़क तो नमूना भर है। आजकल जितने भी सरकारी निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा कराए जा रहे हैं वो भारी भरकम कमीशन खोरी के चलते एक साल में ही क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं। अगर कमीशन खोरी सरकारी निर्माण कार्यों में न होती और गुणवत्ता परक कार्य होता तो मशहूर कवि रहे रफीक सादानी को एक का पंक्तियाँ लिखने व रंदा को उन्हें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देश का लूटो बारी बारी, देश का लूटो बारी बारी, जियो बहादुर खद्दर धारी, पहली बरखा माँ स्कूल ढहीगा, वही के नीचे टीचर रहेगा, तोहरे पुतवा के ठेकेदारी, जियो बहादुर खद्दर धारी, देश का लूटो बारी बारी। जी बिल्कुल, रंदा ने सही कहा, जियो बहादुर खद्दर धारी, देश को लूटो बारी बारी, क्योंकि जिस तरह से सरकारी का धन लग करके जो है बंदरबांट होता है कमीशन में, कमीशन 40-40% चलता है तो आखिरकार गुणवत्ता पूर्वक कैसे होगा काम, सड़कें तो उखड़ेंगी उखड़ेंगी। इसीलिए रंदा कहता है
कि जियो बहादुर खद्दरधारी, देश को लूटो बारी बारी। तो रंदा की टिप्पणी आपने सुनी। तो अगली खबर पर चलते हैं, जहां पढ़ाई में कमजोर तो शिक्षक देंगे डबल डोज। सीतापुर जिले के 62 राजकीय विद्यालयों में चिन्हित किए जा रहे पढ़ाई में कमजोर बच्चे, नियमित के साथ बच्चों को मिलेगा अतिरिक्त कक्षाओं का फायदा। रंदा क्या पढ़ता है देखते हैं। शिक्षक कभी सिंगल डोज देते ही नहीं, उनके पास अपने विषय के ज्ञान का अच्छा भंडार होता है। फिर भी रंदा सरीखे कुछ कक्षा में पीछे बैठने वाले तथा कुछ काम चोर बच्चे स्कूल के पीछे बैठने वाले गुरु ज्ञान का एक भी डोज ग्रहण नहीं कर पाते और फिसड्डी रह जाते हैं। जब राजकीय विद्यालयों के कमजोर बच्चों को ज्ञान का डबल डोज देने के लिए बच्चे चिन्हित किए जाएं, तो उसमें रंदा को भी शामिल कर लेना, क्योंकि वो भी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कुपोषित छात्र है। जब राजकीय विद्यालयों के शिक्षक कमजोर बच्चों को ज्ञान का डबल डोज देने के लिए अतिरिक्त कक्षा लगाकर पढ़ाएंगे, तो फिर अपने घर पर बुलाकर ट्यूशन कौन पढ़ाएगा? ट्यूशन से होने वाली अतिरिक्त आय क्या शिक्षक की जगह पर रंदा करेगा? जिसके पास शिक्षक वाली डिग्री उसी प्रकार नहीं है जैसी चिकित्सीय डिग्री बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण के पास नहीं है, और वो अपने को आचार्य बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, फिर भी वो पूरी दुनिया में आयुर्वेद चिकित्सा का ज्ञान व औषधियाँ बांटते घूम रहे हैं। फर्जी डिग्री के लिए कथित आचार्य बालकृष्ण जेल की हवा भी खा चुके हैं। अगर राजकीय शिक्षकों ने ट्यूशनबाजी छोड़ अतिरिक्त कक्षाएँ लगाना शुरू किया, तो किसी व्यंग कवि की ये कविता तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगी, जिसमें ट्यूशन खोर अध्यापकों के बारे में व्यंग टिप्पणी की गई है। आज का अध्यापक कक्षा में छात्र कम, घर पर संख्या व्यापक। बिल्कुल सही कहा आपने रंदा जी, कि जो है आज का अध्यापक जो है बच्चों को कैसे डबल डोज देगा, क्योंकि वो घर में ही बुला लेता है शिक्षा देने के लिए, क्योंकि उसके लिए उसे जो है रकम भी मिलती है। जब राजकीय शिक्षक जो है ट्यूशन देंगे, तो रंदा को भी बुला लीजिएगा पढ़ाने के लिए, क्योंकि रंदा भी उसमें पढ़ेगा और पढ़ाएगा। तो अगली खबर पर चलते हैं, जहां अन्नपूर्णा सेवा संस्थान परिवार द्वारा संस्थापक रहे अनिल द्विवेदी व साहित्य संगम के अध्यक्ष रहे गोपाल सागर की स्मृति में अनिल सागर नामक अद्यतन पत्रिका विशेषांक का विमोचन श्री कृष्णा कॉलेज अहमदनगर के टैगोर सभागार में किया गया। अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के संस्थापक रहे अनिल द्विवेदी ने इस संस्थान के माध्यम से जो समाज सेवा, शिक्षा सेवा, साहित्य सेवा, दिव्यांग सेवा, चिकित्सा सेवा क्षेत्र में जो अनुकरणीय व अतुलनीय कार्य किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। जिस प्रकार कोरोना काल में अनिल द्विवेदी व उनकी अन्नपूर्णा सेवा संस्थान की टीम ने पीड़ित मानवता की सेवा की, उन्हें खाने पीने व जरूरत की चीज़ें, दवाइयाँ उपलब्ध कराई, वो अपने आप में बड़े त्याग व समर्पण का विषय है। कोरोना पीड़ितों की सेवा करते करते अनिल द्विवेदी भी इसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित होकर हम सबसे बिछुड़ गए, जिसका अपार दुख रंदा सरीखे कृतज्ञ लोगों को हमेशा रहेगा। वो अन्नपूर्णा सेवा संस्थान व साहित्य संगम जैसे अनेक अनुसांगिक संगठन चलाकर अमर प्राण हो गए, पर उनके द्वारा लगाए गए ये समाज सेवा के पौधे उनके भाई नवीन द्विवेदी, बहन व संस्थान की संरक्षिका पुष्पावस्थी यासीन इब्ने उमर, राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से विभूषित अशोक प्रजापति, साहित्य संगम के वर्तमान अध्यक्ष महफूज रहमानी, रामकिशोर श्रीवास्तव सहित अनेक कवि व शायर संस्था के पदाधिकारी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। साहित्य संगम के अध्यक्ष रहे नामचीन कवि व शायर गोपाल सागर भी अनिल द्विवेदी के अमर प्राण होने के 6 दिन बाद कोरोना काल में ही गोलोकवासी हो गए। इन दोनों महान भावों के स्वर्गवासी होने का अपार दुख तो सीतापुर की सरजमी व यहाँ के निवासियों को हमेशा रहेगी। अद्यतन पत्रिका इन दोनों महान भावों की स्मृति में अनिल सागर के रूप में प्रकाशित हुई है, जिसमें कवियों शायरों ने अपनी कविता, शेरो शायरी, गजलों में शब्दों की माला बनाकर अमर प्राण अनिल द्विवेदी व साहित्यकार रहे गोपाल सागर को याद कर भावांजलि व्यक्त की है। अनिल द्विवेदी द्वारा लगाया गया
अन्नपूर्णा सेवा संस्थान तथा उसके अनुसांगिक संगठनों के पौधे पुष्पित पल्लवित हों, वट वृक्ष का आकार लेते रहें। रंदा ईश्वर से यही दुआ करता है। और शायर यासीन इब्ने उमर के इन काव्य पंक्तियों से रंदा अनिल द्विवेदी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता है। थोड़ा खुद से लेकिन थोड़ा औरों से प्यार करें, आओ मिलकर हम सब गम का हर एक दरिया पार करें। भूखा नंगा रहे न कोई, जन जन में बांटे खुशियां, अनिल द्विवेदी के सपनों को मिलकर हम साकार करें। तो बिल्कुल अनिल द्विवेदी जी जो अन्नपूर्णा संस्थान के संस्थापक हैं, उन्हें सभी लोग याद करते हैं। और उनके लिए जो पंक्ति यासीन इब्ने उमर ने लिखी है कि भूखा नंगा रहे न कोई, जन जन में बांटे खुशियां, अनिल द्विवेदी के सपनों को मिलकर हम साकार करें, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जो उनके सपने हैं उन्हें सभी को साकार करना चाहिए, क्योंकि वो समाज से लेकर के चिकित्सा सभी अन्य सेवाओं में जो है सबसे प्रथम रहे। और कोरोना काल में भी उन्होंने काफ़ी सभी की मदद की, लेकिन मदद करते करते जो है वो खुद इस भयंकर कोरोना जैसी आपदा में जो है उनका खुद कोरोना ने उन्हें लील लिया। तो रंदा जो है अनिल द्विवेदी जी की आत्मा को शांति प्रदान करे, ऐसी कामना करता है। तो आज का रंदा आपने देखा कि अखिलेश यादव पर चला, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष तीसरी बार बनने पर रंदा ने क्या कहा, वहीं बसपा के बहन कुमारी मायावती जी पर उन्होंने कहा कि सपा जो है वो बसपा विरोधी पार्टी है, जबकि शिक्षक पर भी कहा कि शिक्षकों की बात को उजागर किया कि शिक्षक डबल डोज की बात जो सरकार कह रही है कि डबल डोज दिया जाएगा बच्चों को, आखिर कैसे देगा जब शिक्षक को अपने विद्यालय में पढ़ाने के बाद उसे ट्यूशन की ललक रहती है, घर में ट्यूशन पढ़ाने का इंतजार रहता है, तो कैसे देगा आखिरकार वो डबल डोज। तो अन्य सभी तमाम की सच्चाइयों को उजागर करने के लिए रंदा हमेशा आई इंडिया पर आता रहता है और आपको रूबरू कराता रहता है। तो आज हम सभी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।